الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود وسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے شان صحابہ و اہل بیت
ये बात जहन में रखे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर कोई शख्स सहाबे कराम या इन नफूसे कुदसिया में से किसी एक हस्ती के खिलाफ जुबान दराजी करे तो ऐसे शख्स का दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक होता। इसी तरह इस बात को भी याद रखें कि जो शख्स सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से किसी शख्स के साथ गुस्ताखाना पहलू से नज़रिया और अकीदा रखे, ऐसे शख्स का भी दूर तक इस्लाम के साथ कोई वास्ता और ताल्लुक। इस सिलसिले को हमने आज से आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस सिलसिला की आज किस्त नंबर एक है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जब तक भी ये मौजू चलेगा कुरान और हदीस से ही सारे बाब को चलाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा मसलक अहल सुन्नत व जमा है और फिक में हम बेहमदी ताला इक्तदा करते हैं सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा मोहम्मद नोमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की। इस वजह से हम हनफी भी कहलाते हैं, इस वजह से हम हनफी भी कहलाते हैं। सरवर दो जहां मालिक कौन मकान अलैहिस्सलात वसीम का फरमान आलीशान, हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन फरमाते हैं, काला समीतु अनसन रदियल्लाहु अन कहते हैं कि मैंने हजरत अनस से सुना है। किन से सुना है? हजरत अब्दुल्ला ने हजरत अनस से। और हजरत अनस रसूलुल्लाह से सुनने वाले हैं, रसूलुल्लाह से। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसार, फरमाया ईमान की ये निशानी है, अलामत है, हुब्बुल अंसार, बंदा सहाबे कराम में से जो अंसार सहाबे हैं बंदा उनसे मोहब्बत रखता हो। उनसे क्या रखता हो? व आयतुल निफाक बुग्ज़ुल अंसार, फरमाया मुनाफिक बंदे की अलामत यह है कि वो मेरे सहाबा से बुग्ज़ रखता होगा। मेरे सहाबा से क्या रखता होगा? आप अंदाज़ा लगाएं इस पहली हदीस मुबारक से कि सरवर दो जहां अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपनी उम्मत को ईमान के तकाज़ों के एतबार से दो जुमलों में समझा दिया है। अगर ईमान वाला तलाश करना है तो देख लिया करो, अगर तो वो मेरे सहाबा से मोहब्बत करने वाला है तो समझ लेना ये मुसलमान है, समझ लेना ये क्या है। और फिर फरमाया वह आयतुल निफाक की बुग्ज़ुल अंसार, और अगर वो मेरे सहाबा से मोहब्बत वाला पहलू रखता बल्कि किसी और अंदाज से सहाबा को याद करता है तो फरमाया फिर ये भी जहन में रख लेना कि ऐसा शख्स मुनाफिक होता है, इस्लाम से उसका कोई वास्ता। इस हदीस को रिवायत किया है इमाम बुखारी ने, मोहम्मद बिन इस्माइल रदी अल्लाह ने सही बुखारी में किताबुल ईमान में, हदीस का नंबर 17 है और सफ़ा नंबर 3 है बुखारी का। अब इस हदीस ने किस कदर मुसलमानों को वजाहत के साथ बता दिया है कि मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो सरवर दो जहां मालिक कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से क्या रखता होगा। कम से कम आज आपको कुछ न कुछ हिम्मत करनी होगी बोलने की दुनिया में, चुप नहीं रहना,
मैं हैरान होता हूं उन लोगों पर जो कज़्ज़ाब हैं, जो क्या हैं, जिनका मसलक झूठा, जिनके मसलक की टोटल तबलीग झूठ और किस पर मबनी है, जिनके मसलक में टोटल गंद है। कभी सहाबा की शान में गुस्ताखियां, तो कभी आहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखियां, तो कभी अंबिया की शान में, न जाने वो गुस्ताखों के भी इतने बोलते हैं कि सुनने वाला हैरान रह जाता है। और पता नहीं हमें क्या है, हम मुसलमान और गुलाम होने के नाते से जब उन नफूस कुदसिया के नाम पे कोई जुमला बोलना पड़े तो हमें शर्म आ जाती है। पता नहीं वजह क्या है, पता नहीं वजह। वो गुस्ताख गिरो खा वो कोई भी हो, जो भी गुस्ताखी करे, हमारी मुराद वो है, हमारी मुराद खा वो कोई हो, खा वो हमारा पाप भी हो, तो इस्लाम का फतवा उस पर भी उसी तरह लागू होगा जिस तरह गैर पे लागू होता है, क्योंकि इस्लाम में किसी की रियायत चलती। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल क्या दिया है कि जो मोमिन होगा वो मेरे सहाबा से क्या करता होगा, बुलंद आवाज से, और जो सहाबा से मोहब्बत वाला अकीदा ना रखता हो, फरमाया मैं तुम्हें कह के जा रहा हूं कि वो शख्स मुनाफिक होगा, और जो मुनाफिक हो उसका इस्लाम से कोई वास्ता। गौर करना, बड़ा अहम तरीन मौजू है, क्योंकि आजकल हक और बातिल को लोगों ने यूं मिला दिया है कि आम बंदा तो फर्क ही नहीं कर सकता कि हक परस्त कौन है और बातिल परस्त कौन है। और इसकी मेन वजह और सबक यह है कि मुसलमानों ने उलमाए हक्का के पास आना जाना छोड़ दिया है, उलमाए हक्का के पास आना जाना छोड़ दिया है। जहर इन्हीं से हमें पता चलना था इस्लाम की हकानियत क्या है। जब हम उनके पास ही नहीं जाएंगे तो हमें कहां से इल्म हासिल होगा। को बात समझ में आई कि ना आई? इनके यहां सारे ठीक है, कोई सहाबा को काफिर कहे इनके यहां वो सबसे बड़ा मुसलमान होता है। मेन वजह क्या है, ये इस्लाम से दूर हो गए, उलमा हक्का की सोहबत से दूर चले गए, इनको दीन सीखने के लिए फुर्सत नहीं। बाकी कायनात के हर काम के लिए इनके पास टाइम है। कंजरियां नाच रही हूं तो सारी रात शैतान इनको कान से पकड़ के बिठाएगा, बैठे रहेंगे, अपने पैसे को पानी की तरह बहा देंगे। फिल्म ड्रामे पे शैतान इनके कानों से पकड़ के इनको दो दो तीन तीन घंटे बिठा देगा मीडिया पे। ये बैठा हुआ, इसको ये भी परवाह नहीं कि उधर इशा की अजान हो चुकी है, यह फला नमाज का टाइम हुआ है। इनको तकलीफ होती है तो उस वक्त होती है जब रसूलुल्लाह की शरीयत सीखने की बारी आती है, इनके पास फिर टाइम नहीं होता। जिनके पास भी नहीं होता, मेरी मुराद वही है। समझ आ रही है आपको बात? तो जब दीन को वक्त नहीं देंगे तो हालत भी यही होगी, घर सुन्नियों के होंगे और नोए खानी हो रही होगी, फिर हालत यही होगी। घर मुसलमान का है, कभी सोचा है वहां नोए चलते? यह हालत आखिर इस तक क्यों पहुंची है? काश के मुसलमानों ने अपने उलमा से राब्ता रखा होता, काश के मुसलमानों ने अपना दीन सीखा होता, तो आज अल्लाह की लानत वाले काम कम से कम इनके घरों में ना चलते। ऐसे होता कि ना होता? आज क्या है, वो समझते हैं शायद मुहर्रम में नोहे के सिवा कोई और चीज सुनना वैसे ही गुनाह हो गया। बद मजमू ने उन पर इतना असर अंदाज हो गए कि वो समझते हैं मुसलमान, लेकिन उनका जहन इतना इस्लाम से दूर है, वो समझते हैं बस नोहे ही मुहर्रम में चल सकता है। मातम की सारी वीडियोस देखी जा सकती हैं, इसके सिवा और किसी चीज की तरफ जाने की शायद इजाजत ही माजल्ला नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि सरवर दो जहां ने इरशाद फरमाया है, जो नोहा सुने, जो नोहा पढ़े, अल्लाह करीम कयामत के दिन जहन्नम के कुछ लोगों को सुनने और पढ़ने वालों को इस किनारे में डालेगा और कुछ को जहन्नम के उस किनारे में डालेगा। जितने भी मुजरिम जहन्नम में होंगे, अल्लाह इनको फरमाएगा आप कुत्तों की तरह इनके ऊपर भौंकते रहो, जिस तरह दुनिया में तुम नोहा सुनते थे और नोहे को पढ़ते थे। आज हमारे घरों में नहीं चलते, वजह क्या है? इस्लाम से दूरी, इस्लाम से दूरी। और झूठे नाम निहाद लोग अगर इमाम आली मकाम का साल में 10 दिन नाम ले
तो इसका यह मतलब है कि अहले बैत तहार के वारिस वो हो गए जो मेरे इमाम के कातिल हैं, जिन्होंने मेरे इमाम को शहीद किया, जिन्होंने मेरे और सारी कायनात के इमाम को खतूत लिख के उन कूफियों ने इमाम अली मकाम को कहा कि आप तशरीफ लें, हम आपके बाप के शिया हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जब इमाम अली मकाम ने कसरत देखी खतूत की, जब कूफा में पहुंचते हैं तो यजीद ने ऐलान करा दिया था कि जिसने उनका साथ दिया हम उनके सर उनके तन से जुदा कर देंगे। इन कूफियों ने बेवफाई की। जब मेरा लजपाल हुसैन वहां पहुंचता है, इन बेईमानों ने गर्दने नीचे करके तलवारें बुलंद कर ली और कहने लगे क्योंकि दौलत के पुजारी थे, यजीद ने इनको दौलत का लालच दिया, यजीद ने इनको मनसब का लालच दिया और कहा जो इमाम हुसैन का साथ देगा उसकी गर्दन में क्या कर दूंगा। इन बेईमानों ने खत लिख के इमाम को बुलाया और बेवफाई की। तो कातिल हुए कि ना हुए, इमाम अली मुकाम के दुश्मन ठहरे कि ना ठहरे, आज उनकी तालीमात एक सुन्नी मुसलमान के घर चलती हुई में नजर आती हैं। भाइयों, मर जाने का मकाम है, डूब मरने का मकाम है कि एक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का भी दुश्मन हो, रसूलुल्लाह के सहाबा का भी, और उन्हीं की तालीमात उनके घर चले जो सहाबा के भी गुलाम हूं, रसूलुल्लाह की आले पाक के भी गुलाम हूं। मर जाने का मकाम है कि नहीं है? डूब मरने का मकाम है। लेकिन यह हालत हुई क्यों है? इस्लाम से दूरी, इस्लाम से दूरी। रसूलुल्लाह ने तो इस अंदाज में उम्मत को दर्श दिया है कि अगर कोई रसूलुल्लाह की अहदीस इस उनवान पे पढ़ ले, सुन ले, कयामत तो मुमकिन है, लेकिन ऐसे लोगों से उसका किसी अंदाज में वास्ता और ताल्लुक हो सकता। अब एक ही हदीस अभी आपने सुनी है, सरकार की इस हदीस की रोशनी में आपको समझ आती है इधर कोई इस्लाम है? और जिनके कलमों में यह हो कि सहाबा काफिर है, जिनकी अजानों में यह कलमात हूं कि टोटल सहाबा काफिर हैं, मैं आपसे पूछता हूं ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई वास्ता है? नहीं। लेकिन बदकिस्मती ये कि हमारे मुसलमानों से ताल्लुक भी रखें, हमारे सुन्नी मुसलमान उनकी तालीमात को अपने घरों में चलने भी दें, मर जाने का मकाम है। इसके सिवा में और कोई जुमला बोल सकता? सरवर दो जहां मालिक कौनो मकाम अलैहि सलात व तस्लीम ने सहाबा किराम को खुतबा दिया। अन अबी हुरैरा था रदियल्लाहु अन काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों सुनो, मैं दुनिया में तुम्हारे पास आया, जहरी तौर पे मैं तुम्हारे पास, तुम में से बहुत सारे लोगों ने दीन की वजह से मेरी हेल्प की है। दीन की वजह से क्या की है? हेल्प की है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने हर एहसान वाले का एहसान जो है वो पूरा कर दिया है। जिस जिसने भी जिस अंदाज में दीन पे एहसान किया, ऐ सहाबा की जमात, ऐ अहले बैत का गिरोह, मैंने सबके एहसानत का बदला चुका दिया है, सबके एहसानत का बदला चुका दिया है। फरमाया हां एक हस्ती ऐसी है तुम में से जिसके एहसान का बदला मैं दुनिया में नहीं देके चला, बल्कि कयामत के दिन मेरी तरफ से रब ही उसको उसके एहसान का बदला अता फरमाएगा। अब देखो कितनी बड़ी शान है, तमाम अहले बैत को खुतबा दिया जा रहा है, अजवाज को खुतबा दिया जा रहा है, आले पाक को खुतबा दिया जा रहा है, असहाब को खुतबा दिया जा रहा है कि सुनो बड़े बड़े एहसान तुमने दीन इस्लाम पे किए हैं, लेकिन मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया है, दे दिया है। फरमा तुम में से एक हस्ती ऐसी है जिसके एहसान इतने हैं कि मैं दुनिया में देखे नहीं चला, बल्कि कयामत के दिन मेरी तरफ से मेरा रब उसके एहसान का बदला था फरमाएगा। और सरकार ने उस हस्ती का नाम लिया, फरमाया सुनते हो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की हस्ती है। वो कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन, खलीफा अव्वल बिला फस, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मशारिक वल मगारिब, जिस हस्ती को मालिक कायनात ने अंबिया और रसूल के बाद अव्वलीन व आखरीन तक हर हैसियत से, खा वो मिन हैसु जाहिर हो या मिन हैसुल बातिन हो,
ظاہری حیثیت سے بھی باطنی حیثیت سے بھی اللہ کریم نے اگر انبیاء کے بعد کسی ہستی کو شان سے نوازا ہے، کسی کو فضیلت اور رتبہ عطا فرمایا ہے، تو اس ہستی کو سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے اسلام جانتا ہے۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اٹھا دیا ہے، چکا دیا ہے۔ فرمایا ابو بکر تیرے احسانات اتنے ہیں دنیا میں نہیں اتر سکتے، قیامت کے دن میرے رب تیرے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے جملے سنو، جس ہستی کو سرکار سے اتنی نسبت ہو، جس ہستی کی سرکار اتنی شان بیان کرے، آج لوگ اسی شخص کو کفر کے فتوے دیں، چلو ان کو تو جہنم میں جانے ہی دو، وہ تو ہیں جہنم کا ایندھن، بات ان کی نہیں ہو رہی۔ رونے کا مقام یہ ہے کہ جو ابو بکر کو خلیفہ اول بھی مانے، مسلمان بھی مانے، رسول اللہ کا سچا عاشق بھی مانے، افسوس ان مسلمانوں پر ہے کہ وہ ایسے ظالموں سے تعلق بھی رکھیں، ایسے ظالموں سے تعلق بھی رکھیں۔ سرکار کے جملے تو سنو، کیا فرمایا؟ فرمایا وما نفعنی مال احد قط، فرمایا جب سے میں دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لایا ہوں، ما نفعنی مال احد، تمام اہل بیت بیچ میں، ازواج مطہرات بیچ میں، ٹوٹل صحابہ، فرمائے اتنا نفع کسی کے مال نے مجھے نہیں دیا کبھی بھی، ما نافعنی مال ابی بکر، فرمایا جتنا ابو بکر تیرے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ سارے صحابہ اہل بیت ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اتنا نفع تو انہوں نے نہیں دیا ابو بکر جتنا میں نے تیرے مال سے اسلام کی خاطر نفع اٹھایا ہے۔ غور کریں آپ، سرور دو جہاں علیہ السلام کس قدر شان اور فضیلت دے رہے ہیں، حالانکہ سرکار علیہ السلام تو خود ایسی شان کے مالک ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد اگر کائنات میں مالک کریم نے کسی ہستی کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے تو وہ ذات سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے۔ سرکار علیہ السلام سے زیادہ شان والا نہ کوئی نبی آیا، نہ قیامت تک کبھی کوئی آ، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ممکن ہے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے کیا ہے۔ دیکھو میں کسی کی شان بیان کروں اتنا بڑا، اتنی بڑی بات نہیں، اگرچہ بڑی بات، کیونکہ میری اپنی کوئی شان نہیں ہے۔ آپ کسی ہستی کی شان بیان کریں اتنی بڑی بات نہیں، اگرچہ بات بڑی اچھی ہے، کیونکہ ہماری کوئی ویلی اور شان، اور ابو بکر کی شان کون بیان فرما رہے ہیں؟ کچھ تو غور کرو مسلمانوں، طرز عمل تو دیکھو، ابو بکر امتی ہیں، رسول اللہ سارے نبیوں کے بھی آقا ہیں، اور ابو بکر صدیق کی شان رسول اللہ کی زبان سے صادر ہو رہی ہے، اور یہ وہی زبان ہے جس کو قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بولتے سرکار دو عالم ہے، کلام اللہ کریم کا ہوتا ہے۔ تو جس ہستی کی شان رسول اللہ اس انداز میں بیان فرمائے، فرمایا کہ کسی کا بھی احسان میرے اوپر باقی نہیں ہے، پہلے جملے میں، حدیث کے پہلے جملے میں، سوائے ابو بکر کے سب کے احسانات کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ابو بکر تیرے ابھی باقی، تیرے ابھی کیا ہیں، اور ان کا بدلہ قیامت کے دن کون دے گا؟ فرمایا اللہ تجھے اس کی جزا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا، کتنے صحابہ، کتنے اہل بیت کے افراد تھے، فرمایا ان سب میں سے کسی کے مال نے مجھے، سرکار مال سے اسلام کا ہی کام کرتے تھے، کوئی ذاتی جگیریں تو سرکار نے بنائی نہیں ہیں، جو بھی آتا اسلام پہ خرچ کرتے، جو بھی آتا۔ تو معنی کیا نکلا، ابو بکر کے مال سے جتنا دین اسلام کا میں نے کام لیا ہے، اور کسی کے مال سے اتنا کام میں نے نہیں لیا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید ارشاد فرمایا، یہ حدیث
सियासिता में से जामिया तिर्मिजी में है, जो मैंने अभी आपके सामने हदीस मुबारक पढ़ी है। किस किताब की हदीस है? जामिया तिर्मिजी है, बाबुल मुनाकिब, हदीस का नंबर 3661, हदीस का नंबर 3600 और तिर्मिजी का सफा है 2029, 2000 मकतबा दारुसलाम रियाज अस सऊदिया से छपी है। रसूल करीम रऊफ रहीम अलैहि सलात व तस्लीम का फरमान आलीशान हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है। इस हदीस के रावी कौन है? हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं सरकार दो जहां अलैहि सलाम ने खुतबा दिया, आपने इरशाद फरमाया और आपके इरशाद में जहां सहाबा मौजूद होते थे वहीं आल बैत भी होते थे कि नहीं होते थे? सरकार ने उन सबको जमा का सीगा इरशाद फरमाया, फरमाया जब मैं जहरी तौर पे दुनिया से चला जाऊं, जब मैं जहरी तौर पे दुनिया से चला जाऊं, अब तुमने इक्तदा करनी है किन की? फरमाया मिम बादी अबी बकर व उमरा, अभी बकर व उमरा। फरमाया जब मैं जहरी तौर पे पर्दा कर जाऊं, ए मेरे सहाबा व अहले बैत, पहले तुमने इक्तदा करनी है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की, और उनके बाद खलीफा सानी जो आएंगे हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब की। अब गौर करो, जिन नफूस कुदसिया की इक्तदा करने का हुक्म मौलाए कायनात को भी रसूलुल्लाह दे रहे हैं, जिन नफूस कुदसिया की इक्तदा करने का हुक्म सैयदना इमाम हसन और हुसैन को भी रसूलुल्लाह दे रहे हैं, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, नवासों को, अपने तमाम सहाबा कराम को जिनकी इक्तदा का हुक्म दे रहे हैं, कितना ना इंसाफी और जुल्म है कि आज उन्हीं नफूस कुदसिया पे कुफर के फतवे लोग गाड़ते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीजुल वलीजुल्लाह व खिलाफतहु बिला फसल का क्या माना है? कोई हमें भी तो समझाए। व खिलाफतहु बिला फसल का क्या मतलब है सिवाय इसके कि अबू बकर उमर और उस्मान को काफिर करा दिया जा रहा है? इसके सिवा कोई मतलब नहीं है, यही मतलब है। कायनात में कोई अरबी जानने वाला हमारे इस जुमले को चैलेंज करे कि खिलाफतहु बिला फसल का यह माना नहीं है, हम उसको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसका यही मतलब है, क्योंकि उनकी कुतुब में भी लिखा हुआ है कि सरकार के बाद तरतीब के लिहाज से पहला खलीफा अबू बकर है, दूसरा उमर है, तीसरे, लेकिन वो कलमे में कहते हैं अली जुल वलीजुल्लाह व खिलाफतहु बिला, कि पहला खलीफा अली है। पहला खलीफा कौन है? अब उधर तरतीब यूं लिखी, उधर ईमान ये रखा, तो फिर कहने लगे कि तरतीब बाकी यही है, लेकिन खलीफा वो होता है जो मुसलमान हो। ये उनकी दलील है, गौर करना। कहने तरतीब यही है, लेकिन हम अली उल मुर्तजा को पहला खलीफा क्यों मान रहे हैं जबकि तरतीब खुद कहते हैं पहले कौन है? और बोलो तो सही, कोई आपकी रोजी बंद कर देगा? हमने कोई किसी का नाम लिया? अगर हकीकत कुरान और सुन्नत की बयान करना जुर्म है तो फिर इस जुर्म को हम बार बार करते रहेंगे। हमने किसी का नाम नहीं लिया, हम कह रहे हैं जो ये काम करे उस पर ये हुक्म है, उस पर ये हुक्म है। किसी को तकलीफ है कि जुमला ठीक नहीं है तो वो मैदान में उतरे, हम कुरान और सुन्नत से साबित कर देंगे। इससे ज्यादा हमारे पास कोई और बात नहीं है। गौर करो, तरतीब मानी है लेकिन खलीफा कहा, वजह क्या है? कहने लगे कि हमारे नजदीक खलीफा वो होता है माज अल्लाह जो क्या हो, और फिर लिखा ये तीनों क्योंकि मुसलमान नहीं है, इसलिए हमने कहा पहला खलीफा अली अल मुर्तजा है। इसलिए हमने कहा पहला खलीफा। किसी जज साहब को भी अगर जरूरत हो तो हम इनकी ईरान से छपी हुई किताबें आपके सामने पेश कर देंगे। मुमकिन है किसी जज साहब को तकलीफ हो, मुमकिनात में से। तो जब किसी के पास हवाला हो ना
तो जज की जरूरत भी नहीं होती कि उसको हाथ कड़ी लगाने का हुक्म करे। क्यों? जिन गुस्ताखों ने अपनी किताबों में अबू बकर, उमर, उस्मान और बल्कि सारे सहाबा को काफिर लिखा है, जज का इंसाफ उस तरफ नहीं जाता, जाएगा उस तरफ जो उनकी गुस्ताखियां मुसलमानों के सामने रखे। इस वजह से वो कहते हैं, कलमे में ऐलान कर रहे हैं, अजान में ऐलान कर रहे हैं कि हमारे नजदीक अबू बकर, उमर और उस्मान माजला मुसलमान। कुछ अपने आप को समझा, कुछ सोच, कयामत के दिन रसूलुल्लाह को कौन सा मुंह दिखाएंगे अगर ऐसे लोगों की तालीमात हमारे घरों में चलती रही, अगर ऐसे लोगों के फंक्शनों में हम जाते रहे, अगर ऐसे लोगों के पास उठना बैठना हमारा हुआ, तो सोच फिर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। और यह बात नामुमकिन है कि बंदा रसूलुल्लाह के सहाबा के गुस्ताख के साथ भी मोहब्बत रखे और कहे मैं रसूलुल्लाह के सहाबा का मुहिब हूं, यह बात इस्लाम नहीं मानता, वो बंदा अपने इस अकीदे में झूठा है। अगर हमारे वालिदैन को कोई गाली दे दे, आप उससे मोहब्बत करेंगे ना? और खरबों वालिदैन हूं, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के मुबारक जूते के नीचे की जो खाक है ना, उस खाक के बंदा कुर्बान कर दे, अपने बाप की बारी है तो इनको समझ आती है मेरा दुश्मन है, और शहनशाह सदाकत की बारी है तो चुप है, बल्कि उल्टा उन गुस्साखों की तालीमात इनके घरों में चलती है। कितने घर आपको गिनवा दूं जिनके घरों में नो और मातम का सिस्टम है, कितने सुनियों के घर आपको गिनवा दूं जिनकी माएं बहनें सिर्फ जाती नहीं माज अल्लाह घोड़े से बेटे मांगती रहती हैं। खुद अली और मुर्तजा से तो पूछ, जब कभी मन्नत माननी हो तो तरीका क्या है? जस अली के नाम पे ये तुम्हारा ईमान लूटते हैं, मौला कैनात से पूछो, सैयद फातिमा तो सहरा से पूछो, अगर कभी मन्नत मानने का मौका आ जाए तो तरीका क्या है? इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा दोनों शहजादे बीमार हो गए, दोनों शहजादे मौला कैनात और खातून फिरदौस सलामुल्लाह अलैहा, इन दोनों ने अल्लाह की जनाब में अर्ज की, मालिक तीसरी इनकी नौकरानी दई फिद्दा, मालिक अगर तू इन शहजादों को सेहत अता फरमा देगा तो हम तेरी रजा की खातिर मन्नत मानते हैं, तीन तीन रोजे रखेंगे। उसी अली से ही पूछ रहे मन्नत का तरीका क्या है, अगर तुझे नबी अलैहिस्सलाम का तरीका पसंद नहीं तो अली के तरीके पे आ, खुदा की कसम है अली का एक काम भी रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ नहीं है। पूरी जिंदगी सहाबा अहल बैत ने सरवरे दो जहां की सुन्नत के मुताबिक गुजारी है, तो किसी एक हस्ती के तरीके पे आ जा, हकीकत में रसूलुल्लाह का तरीका ही होगा। हकीकत में मौला कायनात को मन्नत मानने की जरूरत जब पेश आती है तो आप फरमाते मालिक मैं तेरी रजा की खातिर क्या रखूंगा। और किस कदर लोग इस्लाम से दूर हो गए, किस कदर लोग कुरान से दूर हो गए, किस कदर लोग अहदीस तैयबा से दूर हो गए। दावा है हम सुन्नी हैं और मनते मानते हैं उन लोगों के घोड़े के पास जाके, अगर घोड़ा मुझे बेटा दे देगा तो मैं अपने बेटे को पता नहीं क्या क्या बकवासात की जाती है इस घोड़े से नीचे से गुजारूंगी। कोई कहती है अपने बेटे को इमाम हुसैन का मंगता बनाऊंगी, भले जो इमाम हुसैन तेरे और तेरे बेटे पे लानत ही भेजे। को बात समझ आ रही है? रसूलुल्लाह से पूछो ये मन्नत का तरीका इस्लाम के मुताबिक हराम है कि नहीं है। और जिस घोड़े पे सारा साल भंगी, चरसी, शराबी, जानी, कबाबी सवार होते हैं, जिस घोड़े को बाज मकामात पे शराब पिला के मैदान में ले आते हैं, वो घोड़ा तुम्हें बेटे देगा? बरकत लेने गए हैं जी घोड़े से, एक मुस्लिम के घर कुरान जैसी मुकद्दस किताब मौजूद हो और कुरान की बरकत क्या थोड़ी है कि घोड़ों से बरकत लेने गए हुए हो? कुछ शर्म हया करो, सोचो कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे। आखिर मालिक ने पूछना है कि नहीं पूछना? यह किस सहाबी का तरीका, यह किस हदीस में आया कि घोड़े के पास जाके मन्नतें मानो?
मेरे भाई मन्नत वो होती है जिसमें कहा जाए मालिक ये काम हो जाए इतने रकात नफिल पढ़ूंगा, ये काम हो जाए इतने रोजे रखूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतना माल तेरी रजा के लिए फला गरीब को दे दूंगा। मन्नत माननी है तो ये तरीका है। हाँ, अगर तुझे बहुत ज्यादा इमाम आली मुकाम से मोहब्बत है तो जिस मकसद के लिए मेरे इमाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उस मकसद पे अपनी जिंदगी को डाल ना जरा। क्या क्या रोना रोए हम। मेरा आपसे सवाल है, यजीद के महल में यजीद के लड़कियां नाचती थी कि नहीं? मैं कह रहा हूं वो दिल दादा था इस बात का, लड़कियों को बुला के नचवाता था गाने बाजे। अब शर्म के मारे बहुत सारे लोगों को अभी से समझ आना शुरू हो गई है, वो बोलना चुप कर गए। ओ मेरे भाई, इस मामले में शर्म की जरूरत नहीं, इस मामले में जरूरत है अगर गलती हो गई है तो अल्लाह से तौबा कर ली जाए। अल्लाह से क्या कर ली जाए? कंजरियों को नचवाना किसका काम है? मेरे इमाम ने फरमाया पूरा कबीला दे दूंगा ऐसे शख्स को अपना हाकिम नहीं मानूंगा। जिसके घर में औरतें नाचे फरमाया वो हमारा हाकिम नहीं। चलो एक और जगह से कलाम कर दूं, यजीद इस बात पे इशरार कर रहा है मैं हाकिम वक्त हूं, मैं क्या हूं? अब उसे अपनी हाकमियत मनवाने के लिए कुछ नफूस कुदसिया के वोट दरकार थे, और किसी की हिमायत करना यही वोट होता है। कुछ जुमला किसी और अंदाज में मैं बोलना चाह रहा हूं। उस बेईमान को उस वक्त तक आम लोग अपना हाकिम नहीं मानते थे जब तक अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसी हस्तियां, जब तक अब्दुल्ला बिन उमर जैसी हस्तियां, जब तक इमाम हुसैन जैसी हस्तियां उसकी हिमायत का ऐलान न करते कि ठीक है ये हाकिम है। उस वक्त तक उसको आम लोग अपना हाकिम, अब वो एक ही बंदे में क्यों मजबूर कर रहा? लाखों दुनिया और थी, उनके वोट कम थे, लेकिन उसको पता है असली वोट इधर से है जो मदीने के रहसी हैं। सहाबा अहले बैत, सहाबा ने भी उसकी बैत से इनकार कर दिया, और इमाम अली मकाम ने भी दलील क्या रखी है कि तू बुत को सजदे करता? नहीं। दलील क्या रखी है? तुझे वोट नहीं देंगे तू हाकिम नहीं हो सकता। क्या दलील रखी है? तू मुशरिक है? नहीं। इमाम ने फरमाया तेरे अंदर करतूत वो है जो मेरे नाने की शरीयत के खिलाफ है, जो मेरे नाने की शरीयत के, क्योंकि तू लड़कियों को नचवाता है नाने ने इसको हराम करार दिया है। तू कुत्ते और रीछ लड़ा के लुत्फंदोज होता है, नाने की शरीयत में ये हराम है। जानवरों को आपस में लड़ाना क्या है? खाओ वो तितर हूं, बटेर हूं, मुर्ग हूं, कोई चीज भी हो, गधे हूं, हाथी हूं, बैल हूं, जानवर को लड़ाना इस्लाम में क्या है? हराम है। फरमाया ऐसे शख्स को हम अपना हाकिम, बसाव का तू नमाज कजा कर देता है, और जो नमाज कजा करे वो हमारे नाने की शरीयत में हाकमियत का हक नहीं रख सकता। हम उसको अपना हाकिम, तू शराब पीता है इसलिए हम तुझे अपना हाकिम। गौर करो असल मसला कहां से चला, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक चलता है तो तू हमारा हाकिम है, फिर तेरी हिमायत का हम क्या करेंगे? और जब हम कर देंगे तो सारे तेरे सामने झुके हुए होंगे। एक बंदे का वोट इतना कीमती है, एक बंदे की हिमायत का ऐलान इतना कीमती है, क्योंकि सहाबा बाकी अहले बैत के अफराद इमाम अली मुकाम की तरफ देख रहे थे। आप नवासा रसूल हैं, और इस वक्त क्योंकि सरकार की नस्ल पाक से पीछे बड़े आप हैं, अगर आप इसको हाकिम मान लें तो हम मानने के लिए सारे ही तैयार हैं। आपने फरमाया मैं क्यों ऐसे फासिक को फाजिर को हाकिम मानूं जो मेरे रसूलुल्लाह मेरे नाने की शरीयत के, कोई बात समझ आई? अब किस किस पहलू से आपको समझ आई? मुझे तो यह समझ आई है जो फासिक को
फाजर हो, बेनमाजी हो, खाइन हो, बद्दयानत हो, धोखेबाज हो, गरीबों की इज्जत को लूटने वाला हो, गुरबा और मसाकीन पर जबरन तसल्लत जमा के उनके हुकूक पर डाका डालने वाला हो, हुसैनियत इस बात का नाम है कि ऐसे जालिम को वोट ना दिया जाए। लेकिन चुप सकता तारी हो जाएगा क्योंकि कोई नजर ही नहीं आता मैदान में। सकता क्यों ना तारी हो, हम तो सारी सारी रात नमाजें कजा करके उन फासकों के नाम के जनाबे वाला है नारे लगा लगा के नहीं थकते। तो सकता तारी ना हो तो क्या हो? मैं पूछता हूं मुसलमान भाइयों बुजुर्गों आपसे, इमाम अली मकाम ने उसकी हिमायत का ऐलान किया, क्या वो काफिर था? बुत को तो सजदे वो भी नहीं करता था, सिर्फ फासिक फाजर। इब्तदान जब तक इमाम अली मकाम पर हमले का हुक्म नहीं दिया था, जब तक जंग के लिए नहीं आया था, मेरे भाई सिर्फ शराब पीता था, लड़कियों को नचवाता था, गाने बाजू का दिल दादा था, डांस का बड़ा वो दिल दादा था, मेरे भाई नमाजें कदा करता था और मुहारिम को अपने लिए हलाल समझता था। मसलन फुफ्फो, खाला, माँ, सास, बेटी, भतीजी, भांजी, इनसे निकाह नहीं हो सकता। शर्म वो कहता था नहीं, जो भी अच्छी लगे ठीक है, महारम को हलाल करता था। इसका मकसद यह है, इमाम अली मकाम ने उसकी हिमायत की, कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी, लेकिन फरमाया अगर मेरी मोहब्बत करने वाले हो ना तो किसी फासे की हिमायत का ऐलान मत करना, किसी फासे की हिमायत का ऐलान। हुसैनियत सिर्फ कहानियों तक महदूद नहीं, ऐसी अजीम कुर्बानी है, शरीयत के कई पहलू में आपने लोगों को दर्श दिया। अगर नाने मेरे के साथ मोहब्बत करनी है तो तरीका यह है, तरीका यह है। आज वो लोग जो दिन रात इमाम हुसैन की मोहब्बत के नारे लगा लगा के थकते नहीं, और काम सारे वो ही है जो किरदार यजीद था, जो किरदार है, तो ये कैसी हुसैनियत है? को बात समझ आई है? क्या समझ आई? असल मोहब्बत हुसैन इस बात का नाम है कि जिस मकसद की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की, जिस मकसद की खातिर, वो मकसद है रसूलुल्लाह की सुन्नत और शरीयत, रसूलुल्लाह की सुन्नत और आप इसके मुताबिक जिंदगी ढाल दें, जुबान से कभी ना कहें मेरा इमाम कयामत के दिन कहेगा मालिक ये भी मुझसे मोहब्बत करता था। इमाम आली मकाम की शान पे इंशाअल्लाह कल सुबह की नमाज के बाद बशर्ते सेहत जिंदगी आपकी इसी मस्जिद में इसी इदारा में एक अजीम और मिसाल इंशाअल्लाह रहमान दरस हदीस होने वाला है जिसमें अहले बैत इतहार की अहदीस की रोशनी में शान बयान की जाएगी। इतनी बड़ी शान का मालिक हमें एक मकसद दे के इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी देकर दुनिया से कूच कर गए, तशरीफ ले गए। गौर करो हमने इमाम अली मुकाम के मकसद पे कितनी जिंदगी गुजारी, नारे इमाम हुसैन के हैं और काम सारे दूसरे हैं। जिसमें है वो अपने आप को समझाए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ये कोई हुकूमत लेने का झगड़ा नहीं था, बादशाह बनने का कोई झगड़ा, ये तो सरकार की शरीयत की वजह से ये मामला था। वो जालिम है लोग, बदमजा है जो कहते हैं दो शहजादों की आपस में लड़ाई हुई, बगैर तो कुछ शर्म करो। एक बंदा जिस नबी अलैहिस्सलाम की जात पे तुमने कलमा पढ़ा, उनकी इतरत के साथ इतना जुल्म कर रहा है, तुम उसको अब भी शहजादे के नाम से तबीर करते हो? जुल्म है कि नहीं है? ज्यादती है कि नहीं है? इमाम आली मकाम सहाबा है, सहाबा वाले बैत। अच्छा सवाल है, इमाम हुसैन सहाबी है कि नहीं है? बुलंद आवाज़ से बोलें। सहाबी वो होता है जिसने सरकार की जहरी हयात को पाया और सरकार की जात पर इस्लाम ले आया, वह माता अली, और उसी इस्लाम पे दुनिया से। इमाम हुसैन में ये तारीफ सच्ची आती है कि नहीं? आप भी तो सरकार के सहाबी ही हैं,
आप भी तो सरकार के क्या हैं, उधर आले पाक में भी हैं, उधर सहाबा में भी हैं। आपके तो दो रिश्ते हैं, आपके कितने रिश्ते हैं? गौर से सुनना, सरवर दो जहां मालिक कौनो मकान अलैहि सलातु व तस्लीम ने उम्मत को कितना बड़ा दर्श दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जनाजे पर तशरीफ ले गए। किस पर तशरीफ ले जाते हैं? एक जनाजे पर सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। जब आप जनाजे में पहुंचते हैं तो आपने जनाजा ना पढ़ा, आपने जनाजा सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप तो जनाजा छोड़ते ही नहीं है, आप तो जनाजा छोड़ते ही नहीं है, ये क्या मामला है कि आप आए भी हैं और आपने जनाजा अदा? अब सुनना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया? जनाजे पे पहुंच के फरमाया नहीं पढ़ते। साहबा ने अर्ज की, आप तो कोई जनाजा इसका क्यों नहीं पढ़ा? देखे अंजाबिर खाल उती नबीओ में जनाजा राजुलिन लियुसल्ली अलैहि फलम युसल्ली अलैहि, इसलिए कि जनाजा पढ़ा जाए लेकिन फलम युसल्ली अलैहि, आपने उसका जनाजा न पढ़ा। फकीला या रसूल अल्लाह, अर्ज की सहाबा ने, या रसूल अल्लाह मा रईना का तरक्त सलात अला अहदिन कबल हाजा, आज से पहले आपने कभी यह काम नहीं किया कि किसी पर जनाजा न पड़ा हो। वजह क्या है? जुमले गौर से सुनना, काला इन्नहु काना यबगुदु उस्माना, फरमाया वो बंदा जिसके दिल में उस्मान गनी के लिए बुग्ज छुपा हुआ है। फरमाया मैं ऐसे पलीत का जनाजा नहीं पढ़ता, मैं ऐसे पलीत का, यह नहीं फरमाया कि यह मेरे उस्मान को काफिर कहता, फरमाया फकत उस्मान से क्या रखता है, फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ता। और जो सहाबा से बग्ज रखे सरवरे दो जहां ने फरमाया मैं उसका जनाजा, और जो सहाबा को काफिर कहे, यहां एक सहाबी से बग्ज की बात है, इंशाअल्लाह इसकी बहुत सारी किस्से आएंगी। शान सहाबाज अहदीस कुरान, आप सुनेंगे रसूलुल्लाह ने उम्मत को किस किस अंदाज से समझा दिया है। यह भी समझाने गए क्या है, वरना जनाजे की तरफ या जनाजे को आपकी तरफ ले आने की हाजत ही क्या थी, पता तो पहले भी था, कोई मरे हुए को देख के तो नहीं इल्म हुआ ना, पहले भी पता था। यह सारा कुछ इसलिए किया था कि उम्मत को पता चले, अगर कहीं भूल चूक के पहुंच भी जाओ और फिर पता चले यह सहाबा का क्या है। फरमाया जब मैं नहीं पढ़ता तो तुम कौन होते हो, जब मैं नहीं पढ़ता तो तुम कौन होते हो। इस हदीस को इमाम तिर्मिजी ने जामे तिर्मिजी बाबुल मुनाकिब हदीस का नंबर 3709, हदीस का नंबर क्या है, सफा 2034, सफा 2000 मकतबा दारुस्सलाम रियाद से ये किताब छपी है और ये हदीस से आखी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों गौर करो, आज की जो अहदीस मुबारका मैंने आपके सामने रखी है, इन अहदीस की रोशनी में उस पहली पहली हदीस को जो बुखारी के हवाले से आपके सामने रखी थी, हदीस का नंबर क्या था? सबसे पहली हदीस जो मैंने बुखारी की पढ़ी थी आज के खुतबा में, हदीस का नंबर 17 था, सफा नंबर बुखारी में 3 था, किताबुल ईमान, किताबुल ईमान सफा 3 और हदीस नंबर किस किताब में, सही बुखारी में। सरकार ने क्या फरमाया, आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार व आयतुल निफाकी बुग्ज़ुल अंसार, फरमाया मेरी उम्मत के लोगों सुन लो, ईमानदार की निशानी यह है हुब्बुल अंसार, वो मेरे सहाबा से मोहब्बत करने वाला होगा। और फरमाया आयतुल निफाक मुनाफिक की निशानी क्या है, फरमाया बुग्ज़ुल अंसार, वो मेरे सहाबा से बुग्ज़ रखता होगा।
जो बोग्ज रखे वो तो हो मुनाफिक, और जो सहाबा को मुसलमान ही ना समझे। कभी सोचा? बस मालिक से दुआ ही है, अल्लाह मुझे भी आपको भी सहाबा अहल बैत का हकीकी गुलाम बनाए, और जो सहाबा अहल बैत के दुश्मन है अल्लाह हमें उनसे इसलिए दुश्मनी की तौफीक दे क्योंकि वो सरकार के गुलामों के दुश्मन है। सरकार की हदीस है ना, इंशाल्लाह अगली किस्त में आएगी, फरमा सहाबा से मोहब्बत भी करनी है ना तो फरमा मेरी वजह से करना। देखो ना कितने सहाबा हैं, कुछ के वालिद इस्लाम नहीं लाए हम उनसे मोहब्बत, कुछ के बेटे इस्लाम नहीं लाए हम उनसे मोहब्बत, तो जिनसे करते हैं क्यों? क्योंकि वो सरकार के गुलाम हैं। वो सरकार के क्या हैं? सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा अहल बैत में से जिस जिस शख्स से तुमने मोहब्बत करनी है सबसे करनी है, लेकिन करनी क्यों है? फरमाया मेरी मोहब्बत की वजह से, पहले मेरी मोहब्बत होगी फिर सहाबा अहल बैत की मोहब्बत नसीब होगी। और फरमाया जो इनसे बुग्ज रखता है हकीकत में वो पहले मुझसे बुग्ज रखता है फिर मेरे सहाबा से बुग्ज रखता है। फिर मेरे सहाबा से क्या रखता है? बुग्ज रखता है। मन सब्बा अस्हाबी, सरकार ने फरमाया जिसने मेरे सहाबा को गाली दी उस पर अल्लाह की लानत है। बुलंद आवाज से हदीस का तर्जमा करेंगे, जो सहाबा को गाली दे उस पर, जिनको सरकार की जुबान पर एतमाद है कम अज कम वही बोले, जो सहाबा को गालियां दे उन पे अल्लाह की, तो अल्लाह जिन पे लानत करे उनके किसी अमल के मकबूल होने की उम्मीद की जा सकती है? वरना शैतान इनसे बड़ा इबादत गुजार है। अल्लाह ने लानत कर दिए, मामला खत्म, मामला। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम हमें दीन इस्लाम का सही फहम अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम अलैहि सलातु व तस्लीम।